बेटियां हमारे लिए अल्लाह की रहमत हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास 3 बेटियां हों और वो उनके होने पर सब्र करे, उनको अपनी कमाई से खिलाए पिलाए और पहनाए, तो वो उस शख्स के लिए कयामत के दिन जहन्नुम से आड़ होंगी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके पास 3 बेटी हों, वो उनके अच्छे नाम रखे, अच्छी परवरिश करे, नेक घराने में उनका निकाह करे, तो वो जन्नती है। एक सहाबी ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास तो 2 बेटियां हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम भी जन्नती हो। फिर दूसरे सहाबी ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तो 1 ही बेटी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम भी जन्नती हो। फिर तीसरे सहाबी खड़े हुए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तो 1 भी बेटी नहीं, तो मेरा क्या होगा? तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई अगर अपने माल से किसी गरीब की बेटी की परवरिश करे, उसका निकाह करे, तो वो भी जन्नती है। सामईन, इस वीडियो को सवाब की नियत से अपने दीनी भाइयों में शेयर करें।